हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों को अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक का जो फुल सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं, इसमें चैप्टर नंबर 4 जो कि LCM और HCF से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 out of 100 मार्क्स लाकर सिलेक्शन लेना है तो आप लोग हमारे YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इन दोनों ही बुक्स का बिल्कुल फ्री में सॉल्यूशन देखने के लिए, जो कि आपकी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की सबसे बेस्ट बुक कही जाती है, एक है अरिहंत प्रकाशन की बुक, दूसरी है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक। दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पर जाने के लिए आप लोगों को वीडियो के नीचे जो हमारे चैनल का नाम दिख रहा है नवोदय ट्रिक्स गुरुजी, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चैनल के नाम पर क्लिक करेंगे तो हमारे होम पेज पर पहुंच जाएंगे चैनल के, और वहां पर आपको होम, वीडियोस और प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट वाले पर क्लिक कीजिए, सारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए वहां से और नवोदय में सिलेक्शन लीजिए। शुरू करते हैं बच्चों, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप लोगों का एलसीएम एचसीएफ का थर्ड पार्ट होगा, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों के लिए अपलोड किए जा चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है संख्या, क्या बोला गया बेटा, संख्या अंक या संख्या 14, 36 और 66 का महत्तम समापवर्तक क्या है। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या समझते हो बताइए जरा, इस महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या समझते हो बेटा। तो इसे हम कहते हैं HCF, क्या कहते हैं बेटा, HCF निकालना है आपको। किन नंबर्स का HCF निकालना है जरा ध्यान से देखिए, तो आपको देखने को मिलेगा 14, 36 और किस किस नंबर का, 14, 36 और 66 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो तो 2 आने वाला है, बताइए, बताऊं क्यों। तो देखिए यहां पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आंसर सिर्फ यहीं से देखना है, आंसर आपको यहीं से देखना है। कैसे आंसर आ गया सर जी 2, तो देखिए 14, 36 और 66 जो महत्तम समापवर्तक होता है ना बेटा, वो जो यहां पर नंबर आपको दिए हैं इनसे छोटा होगा, इनसे बड़ा कभी नहीं हो सकता, इनसे छोटा ही होगा, इनसे बड़ा नहीं होता। एलसीएम नंबर्स से बड़े होते हैं लेकिन एचसीएफ जो होता है, जो संख्या दी गई है उससे कम होता है। तो अब यहां पर देखिए ये नंबर इनसे बड़ा दिख रहा है, 66 से बड़ा, मैक्सिमम नंबर से भी ये भी बड़े हैं, ये भी बड़ा है। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या बेटा, करेक्ट आंसर। तो ये थी ट्रिक, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पर ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32। तो देखिए बेटा इसे भी करते हैं हम लोग सॉल्व, अभी हमने आपको पार्ट 2 में इसे क्वेश्चन कराए थे, अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो देखिए 32 के बताना बेटा अभाज्य गुणनखंड, आपको बताना क्या है फ्रैक्शन का मतलब गुणनखंड आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फैक्टर्स बताना है, तो आप इसे करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, मतलब 2 से डिविजिबल है। 2 1 2, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 यूज कर लिया तो बचा कितना 1, तो यहाँ क्या हो गया 12, तो 3 6 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16, 2 से फिर कीजिए तो 2 4 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 4, 2 से करेंगे तो 1। तो बताइए कि यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड आपको देखने को मिले बेटा वो क्या है। तो आप कहेंगे सर जी 32 के बराबर देखने को मिला, 2 मल्टीप्लाई कितने टाइम, 5 टाइम, कितने टाइम बेटा 5 टाइम। ऑप्शन में कहा देखने को मिल रहा है, वही आंसर है, देखिए तो 5 टाइम का देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में आपसे बोला है 6 के सभी गुणनखंड लिखिए, 6 के सभी गुणनखंड लिखिए, फैक्टर्स लिखिए, ये जो 6 है किन किन नंबर्स के टेबल में आता है बेटा। तो नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो बताइए कि ये जो 6 है ये किन किन के टेबल में आता है, क्या 1 के टेबल में 6 आता है, तो 1 के टेबल में तो सब कुछ आता है ये आपको याद रखना है, क्या 2 के टेबल में 6 आता है, तो हाँ 2 भी लिखेंगे, क्या 3 के टेबल में 6 आता है, तो बिल्कुल 3 के टेबल में आता है, क्या 4 के टेबल में 6 आता है, नहीं, क्या 5 के टेबल में 6 आता है, नहीं, तो 6 के टेबल में 6 आता है। अब इसके बाद वाले किसी भी नंबर में 6 नहीं आएगा क्योंकि बाकी सारे नंबर तो 6 से बड़े हो जाएंगे।
तो देखिए सिक्स के जो फैक्टर है जो गुणनखंड है बेटा वो क्या निकल कर आए हैं, जो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 1 2 3 6 किस ऑप्शन में देखने को मिला, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिला। सर जी तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे होंगे, अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी मेहनत के लिए लाइक जरूर कीजिए। देखिए आप लोगों के लिए ये वीडियो रात में 12:30 को आपको मतलब नाइट में 12:30 को रिकॉर्ड हो रहा है बच्चों, रात के 12:30 बज चुके हैं और आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ाई कर सके, क्योंकि दिन में मेरे पास समय नहीं होता है, मुझे स्कूल जाना होता है, तो इसलिए मैं रात में मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोग मेहनत कर पाए और नवोदय में सिलेक्शन ले पाए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, तो क्वेश्चन आ गया बेटा सिक्स के प्रथम 5 गुणज लिखिए। क्या बोला है कि 6 के प्रथम 5 गुणज, 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना है आपको। तो क्या करना होता है, जब भी आपसे गुणज या मल्टीपल्स बोला जाता है बच्चों, तो बस टेबल लिखना है। किसका टेबल लिखना है, 6 के प्रथम 5 गुणज लिखना है, मतलब 6 का टेबल लिख दीजिए। टेबल मतलब पहाड़ा, तो 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 कम 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 चुक 24, 6 5 जा 30, 5 लिखना है, तो 5 हमने लिख दिया। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल सेम टू सेम हमारा मैच कर गया ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर यह रहा क्वेश्चन, में आपसे पूछा गया है 8, 12 और 15 का लघुत्तम समाप वर्त ज्ञात कीजिए, मतलब कि क्या ज्ञात करना है, LCM किन नंबर्स का ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, नंबर्स आप लोगों को दे रखे है, क्या क्या दिया बेटा, तो आप कहेंगे सर जी 8 दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो 2 से करते हैं, तो 2 के टेबल में 8 कितने टाइम में, 4 टाइम में, 12 कितने टाइम में, 6 टाइम में, लेकिन 15 में लास्ट में 5 है, तो 15 2 के टेबल में नहीं आता है, क्योंकि 5 2 के टेबल में नहीं आता है। आप करते हैं फिर 2 से, तो देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15 इसके टेबल में नहीं आता है। फिर 2 से करेंगे तो 2 बन जा 2, 3 इसके टेबल में नहीं आता, 15 इसके टेबल में नहीं आता। अब 2 से डिविजिबल कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब हमें 2 से डिवाइड नहीं करना है, तो क्या 3 से करें, क्या 3 से डिविजिबल कोई नंबर दिख रहा है, तो आप कहेंगे जी हाँ सर 3 दिख रहा है, और 15 भी तो 3 के टेबल में आता है, तो 3 से करते हैं, तो 1 बेसक वैसा ही, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, आप किससे करेंगे 5 से, तो 1 वैसा ही रहेगा, 1 वैसा ही रहेगा, 5 बन जा 5 हो जाएगा। तो बताइए LCM क्या है बच्चों, तो जब भी हमें LCM निकालना हो तो हमने जिन नंबर से डिवाइड किया लेफ्ट में उन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होता है LCM आ जाता है। तो LCM निकालना बेटा, तो देखिए LCM क्या निकला यहां पर, LCM बराबर लिखेंगे हम लोग जिन नंबर्स का हमने मल्टीप्लाई किया उन्हें, जिनसे डिवाइड किया, तो 2 बन जा 2, 3 टाइम 2 लिखना है, तो कितने टाइम 2 लिखना है, 3 टाइम 2 लिखना है, फिर 1 टाइम 3 और 1 टाइम 5 लिखना है, यहां से देखते लिखेंगे। अब इन नंबर्स का कर दीजिए मल्टीप्लाई, आ गया LCM, नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, करेक्ट आंसर कौन सा 120, किस ऑप्शन में दिखा। आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिला है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या बेटा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से करना होता है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा कंजूसो। तो यहाँ पर ये हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है, तो जिन भी बच्चों को वीडियो पसंद आ गया वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारी सी एक कमेंट जरूर कीजिए, और साथ ही साथ इन दोनों ही बुक्स का फुल सॉल्यूशन, जो कि आपके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की सबसे बेस्ट बुक कही जाती है, कौन सी, एक तो अरिहंत प्रकाशन की क्लास 6 की 2023 का न्यू एडिशन, दूसरी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, इन दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन हम लोग करा दिए हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां से आप लोग देख पाएंगे, और साथ ही साथ यदि आप लोग हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग नवोदय मैथ्स बाय विजय सर ये भी सर्च करके देख सकते हैं, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरु जी का नाम सर्च करके आसानी से हमारे वीडियोस देखकर नवोदय में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों का भी आप लोगों के साथ नवोदय में सिलेक्शन हो सके। जय हिंद बच्चों।